बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान खान और आप देख रहे हैं टेक्निकल सलमान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एथीन नेटवर्क के बारे में मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं कि एथीन नेटवर्क के ऊपर आपने माइनिंग किस तरीके से करनी है और यहां पर आपने काम किस तरीके से करना है और ये जितने भी ऑप्शन है इनका मकसद क्या है और एथीन नेटवर्क को आपने यूज किस तरीके से करना है। आपके तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि तमाम चीज़ों को आप समझ जाए और यहाँ पर सही से काम कर सकें। सबसे पहले मेरे जो न्यू व्यूवर्स है जिनको एथीन नेटवर्क के बारे में नहीं पता, उन लोगों में बता दूं कि ये एक फ्री माइनिंग प्लेटफॉर्म है। सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर फ्री में माइनिंग करनी है। ये माइनिंग का बटन है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हर 12 घंटे के बाद यहाँ पर क्लेम के ऊपर हम क्लिक करना है और उसके बाद जो हमारी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमें 1.08 पर आवर के हिसाब से यहाँ पर कॉइन्स मिलेंगे और जो इनके कॉइन्स मिलेंगे जेम टोकन होंगे। इस चीज़ को सही से समझने के लिए यहाँ पर हम वॉलेट के ऊपर आते हैं तो जितने जितने आप टोकन इंक्रीज करेंगे यहाँ पर अर्न करेंगे, यहाँ पर जेम टोकन के अंदर आपके वो शामिल होते रहेंगे और फिर हर महीने आपके ये जो जेम टोकन है ये आपके एटीएस टोकन में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर इन एटीएस टोकन को आप सेंड एंड रिसीव भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम वापस बैक आते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एटीएच विल बी डिस्ट्रीब्यूट आफ्टर 8 डेज, यानी तकरीबन 8 दिन के बाद जो इनके एटीएच टोकन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो मेरा आपको मशवरा ये कि अगर आपने अभी तक इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो मेरी इस वाली वीडियो को मुकम्मल वॉच करके यहाँ पर जल्द से जल्द अपना अकाउंट क्रिएट कर ले और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अपने क्वींस जो वो इंक्रीज कर ले ताकि इनकी जब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो तो यहाँ पर आपको भी प्रॉफिट मिल सके। इस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको रिव्यू दे दूँ। सबसे पहले अगर मैं आ जाऊँ प्ले स्टोर के ऊपर तो प्ले स्टोर के ऊपर हम इसकी रेटिंग चेक करें तो 4.6 की इसकी रेटिंग है और 1 मिलियन प्लस लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं और 49K इसके ऊपर रिव्यू है। इसके अलावा अगर हम आ जाए इनके आ जाए एक्स के ऑफिशियल पेज के ऊपर तो यहाँ पर देखें ये इन लोगों ने ज्वाइन किया था अगस्त 2023 के अंदर, तो इस 5 महीने के अरसे के अंदर अंदर जो इनके 3,75,000 फॉलोवर्स भी यहाँ पर हो चुके हैं। इसके अलावा अब हम अगर आते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर, अब आपको इसकी एप्लीकेशन के बारे में मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर देखें आपकी प्रोफाइल शो हो रही है, यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है। सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर आते हैं, जैसे जैसे आपके रेफरेंस बढ़ते जाएंगे यहाँ पर आपका जो लेवल इंक्रीज होता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर तमाम वो आपकी मालूमात होगी जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए ऐड की होगी। इसके बाद वापस आते हैं, यहाँ पर आपको लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन नजर आ रहा है। लिंक्ड अकाउंट के ऊपर आकर हम अपना ट्विटर का अकाउंट और फेसबुक का लिंक यहाँ पर ऐड करके यहाँ से अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट्स को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन है, अगर हम केवाईसी के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर हमने अपनी केवाईसी करानी है, लेकिन अभी जो इनका केवाईसी का ऑप्शन इन्होंने ऑन तो किया हुआ है लेकिन कई लोगों की केवाईसी यहाँ पर नहीं हो रही। जिन लोगों की केवाईसी नहीं हो रही उसका रीजन मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर केवाईसी करने के लिए आपने यहाँ पर अपडेट योर फोटो के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर आपने अपनी पिक्चर लेनी है, पिक्चर लेने के बाद अपडेट के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों की केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी और क्यों नहीं होगी इसकी वजह मैं आगे जाकर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अगर हमने 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना है तो यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं। लॉगिन विद बायोमेट्रिक के जरिए ऑन करना चाहें तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके इसका पासवर्ड हम तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यूजर गाइड का ऑप्शन है, यूजर गाइड के ऑप्शन में आकर आप केवाईसी गाइड, रेफरल कोड इनपुट गाइड, टोकन ट्रांसफर रिसीव गाइड, ये सारी चीजें आपको यूट्यूब की वीडियोज के अंदर मिल जाएंगी। यहाँ पर आप डायरेक्ट वॉच करके इन चीजों को समझ सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से वापस बैक आते हैं। बैक आने के बाद जो यहाँ पर देखें आपको बेल का आइकॉन नजर आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आप लोगों को तमाम के तमाम इस नेटवर्क से रिलेटेड नोटिफिकेशन शो होंगे। इसके बाद वापस बैक आते हैं, ये जो टाइम शो हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया कि ये एटीएच विल बी डिस्ट्रीब्यूट आफ्टर 8 डेज, यानी तकरीबन 8 दिन के बाद जो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ये देखें आपके पास स्ट्रीक का ऑप्शन है, स्ट्रीक के ऑप्शन के नीचे 4 लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर जो आपने डेली बेसिस के ऊपर जिस तरीके से अटेंडेंस लगाते हैं इस तरीके से आपको अटेंडेंस के तौर पर यहाँ पर रिवार्ड मिलेंगे। कभी आपको 5 टोकन रिवार्ड मिल जाएंगे, कभी आपको 10 मिल जाएंगे, कभी आपको 15 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन आया हुआ तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो जितने यहाँ पर टोकन होंगे तमाम के तमाम आपके वॉलेट के अंदर ऐड हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये देखें कम्युनिटी है, कम्युनिटी के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये अपनी कम्युनिटी के बारे में सारी चीज़ें बता रहे हैं कि टोटल यूजर जो वो इतने हैं, ऑनलाइन इतने हैं, इस मंथ जो टोटल जेम माइंड हुए हैं वो इतने और टोटल आज तक जो जेम माइंड हुए हैं वो इतने हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये देखें टोटल एटीएच कन्वर्ट, यानी जितने भी माइंड हुए हैं और वो एटीएच में जो कन्वर्ट हुए हैं वो इतने हैं। अब हम वापस बैक आते हैं, अब ये चीज़ आपको समझ आ गई कि कम्युनिटी के अंदर जो क्या है और ये गेमिंग जोन है, यहाँ पर इनके कुछ गेम्स वगैरह हैं, इनके ऊपर क्लिक करके हम गेम्स खेल सकते हैं लेकिन ये अभी इनका अंडर मेंटेनेंस है, इसके अभी अपडेट आनी बाकी है। यहाँ से हम वापस बैक आते हैं, ये यहाँ पर नेटवर्क का ऑप्शन नजर आ रहा है, नेटवर्क के ऊपर क्लिक करते हैं। ये आपका जो है रेफरल कोड है, इस कोड के जरिए आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट करवा सकते हैं। जितने ज्यादा आपके इनविटेशन, जितने ज्यादा आपके रेफरल्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपकी माइनिंग की स्पीड जो है बढ़ेगी। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए व्यू डिटेल के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जिन जिन लोगों ने आपके रेफरल कोड के जरिए ज्वाइन किया होगा वो यहाँ पर आपको शो होंगे। फिर आपके रेफरल्स के रेफरल कोड के ऊपर जिन लोगों ने ज्वाइन किया होगा वो यहाँ पर F2 के अंदर शो होंगे। ठीक है, यहाँ से हम वापस बैक आते हैं, बैक आने के बाद जो वापस होम सेक्शन के ऊपर चले जाते हैं तो ये मैंने आपको बता दी नेटवर्क का। यहाँ पर लीडर बोर्ड है, लीडर बोर्ड के ऊपर अगर हम आते हैं तो देखिए फर्स्ट पोजिशन के ऊपर ये है, सेकंड पोजिशन पर ये है, थर्ड पोजिशन के ऊपर ये, यानी इन लोगों ने इतने इतने जेम टोकन अर्न किए हुए।
इसके बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ऐसे ही अगर नीचे जाते जाए तो सबके जो जैक टोकन के हिसाब से इनकी पोजीशन है, और यहाँ पर आपकी पोजीशन शो हो रही होगी बिल्कुल लास्ट में। अब देखिए मेरी पोजीशन है 991935, ठीक है। तो जितने जितने आप जो जैम यहाँ पर अर्न करते रहेंगे वैसे ही आपकी पोजीशन जो है वो करीब होती जाएगी, और हो सकता है कि आपकी पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में से भी आ जाए। इसके बाद हम वापस बैक आते हैं, बैक आने के बाद ये होम सेक्शन की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। यहाँ पर ये आपका वॉलेट है, अगर हम वॉलेट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर जितने भी जोन जोन से कॉइन्स आपने अर्न किए होंगे तमाम यहाँ पर आपको शो होंगे। जैसे यहाँ पर देखें मैंने तकरीबन 158 जो वो जेम टोकन अर्न कर लिया। अब यहाँ पर इनका प्रोसेस ये है कि हर महीने जो ये जेम टोकन है ये ATH में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कितने कन्वर्ट होते हैं, कितने जेम टोकन के कितने ATH टोकन मिलते हैं, जब इनकी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी उसके अंदर उस वक्त 15 जेम टोकन का एक ATH टोकन दिया गया था, उसके बाद जब सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो उसके अंदर जो 20 जेम टोकन का एक ATH टोकन दिया गया। अब जो इनकी 1 मार्च को थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है उसके अंदर कितने जेम टोकन के ATH टोकन बनेंगे, उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर होम के ऊपर, और होम के ऊपर आने के बाद यहाँ कम्युनिटी में आते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए टोटल ATH कन्वर्टेड, यानी इनका एक टारगेट है कि हमने तकरीबन 10 करोड़ जो ATH टोकन ट्रांसफर करने हैं। अब इनकी कैलकुलेशन इस तरीके से निकाली जाती है कि जितने भी जेम टोकन माइंड हुए होंगे इनको इसके साथ कैलकुलेट किया जाएगा। इसको सही से समझने के लिए मिसाल के तौर पर मैं कैलकुलेटर के अंदर आ जाता हूँ। कैलकुलेटर में आने के बाद तो जेम टोकन माइंड किए होंगे इसको कैलकुलेट करेंगे इससे, तो अभी तक जो यहाँ पर देखे तकरीबन फिर 30 जेम टोकन का एक ATH टोकन बनता है। अब जितने जितने यहाँ पर जो जेम माइंड होते रहेंगे, जितने जितने यहाँ पर बढ़ते रहेंगे उतने उतने ATH टोकन जो है वो कम होते रहेंगे। तो अभी 1 मार्च को तो तकरीबन 50 जेम टोकन का एक ATH टोकन बनेगा। इससे ज्यादा अगर देर हो गई तो फिर जो इनकी फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसके अंदर हो सकता है कि ये 100 या 150 जेम टोकन का एक ATH टोकन कन्वर्ट हो। इसलिए अभी से अपना अकाउंट बना ले और यहाँ पर अर्निंग करना शुरू कर दे ताकि फ्यूचर में जाकर आप लोगों को यहाँ से अच्छी जो इनकम जनरेट हो सके। फिर आप इन टोकन्स को सेंड और रिसीव के ऊपर क्लिक करके सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको अभी फिलहाल किसी वॉलेट के अंदर रिसीव या सेंड नहीं कर सकते। जिन लोगों का एथीन नेटवर्क के ऊपर अकाउंट बना होगा आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को रिसीव और सेंड कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा यह कि आप अपने टोकन ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज करें, जमा करें, अभी बेचने की आपको जरूरत नहीं। आगे जाकर इंशाल्लाह ताला इनके मुताबिक ये बाइनेंस और OKX के ऊपर ये लिस्ट होगा, तो जब बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा तो इसके रेट जो काफी अच्छे होंगे। उम्मीद है कि तकरीबन $5 तक इसका एक ATH टोकन होगा। फिर यहाँ पर देखिए हिस्ट्री का है, यहाँ पर हिस्ट्री के ऊपर आप क्लिक करते हैं, हिस्ट्री के ऊपर ये तमाम चीजें आपको बताएगा कि आपको जो इस चीज के इतने इतने टोकन मिले। इसके बाद वापस बैग आते हैं, बैग आने के बाद यहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन है, विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी ये अंडर डेवलपमेंट है। इसी तरीके से स्टेकिंग का भी ऑप्शन ये लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये भी अभी अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें सारे आपके टोकन शो हो रहे होंगे, जेम टोकन, लाइन टोकन, USDT, ATH, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। इसके बाद ये देखें ये माइनिंग का बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर हमें 12 घंटे में एक मरतबा क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी माइनिंग यहां पर स्टार्ट हो जाएगी और जो यहां पर आपको अर्निंग रेट शो हो रहे होंगे तो ये पर आवर के हिसाब से आपको इतने इतने टोकन यहां पर मिलते रहेंगे। इसके बाद यहां पर ये देखें इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर जी आप व्यू क्विट्स एंड रिसीव रिवार्ड के ऊपर आते हैं तो यहां पर जो आपको मुख्तलिफ रिवार्ड मिलते रहेंगे, जैसे जैसे आपके जो है लेवल इंक्रीज होते रहेंगे, आप कुछ टास्क कंप्लीट करते रहेंगे या आपके रेफरल जो वो KYC वगैरह कंप्लीट करेंगे तो आपको रिवार्ड वगैरह मिल जाएंगे और रिवार्ड के ऊपर क्लिक करके आप रिवार्ड हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम वापस बैक आते हैं तो यहां पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये भी वही आपके नेटवर्क से रिलेटेड है, आपके रेफरेंस वगैरह यहां पर शो होंगे और ये आपका रेफरल कोड है। इसके बाद हम वापस होम सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। अभी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, अब बात रह गई है कि इसके ऊपर आप KYC क्यों नहीं कर पा रहे। जब भी आप KYC करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ऊपर ऑप्शन लिखा हुआ आ जाता है कि आप अभी KYC नहीं कर सकते और अभी जो है ये अंडर डेवलपमेंट है। इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर माइनिंग वाले बटन पर, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा गेट एन एक्स्ट्रा 300% बूस्टर, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, प्लीज कनेक्ट योर वॉलेट टू परचेज द प्रीमियम पैकेज विद ओनली $3, यू विल गेट इनक्रेडिबल बेनिफिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप अगर हमारा प्रीमियम पैकेज $3 में बाय कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपको ना KYC की जरूरत है, आपका अकाउंट भी वेरीफाई हो जाएगा, आप फिर यहाँ से डिपॉजिट भी कर सकते हैं, आप यहाँ से विड्रॉ भी कर सकेंगे, आप यहाँ से टोकन को रिसीव भी कर सकेंगे, आप यहाँ से टोकन को सेंड भी कर सकेंगे। तो मैं तो आपको अभी यही मशवरा दूंगा कि हमें ये पैकेज लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर KYC अभी नहीं हो रही तो अभी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से KYC नहीं हो रही क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर $3-3 इन लोगों को दे रहे हैं तो अभी ये पैसा कमाने में लगे हुए। जैसे इनके पैसे कंप्लीट हो जाएंगे, इनकी जेबें भर जाएंगी, उसके बाद ये KYC का ऑप्शन खोल देंगे, उसके बाद जो हम यहाँ पर वॉलेट के अंदर आकर सेंड एंड रिसीव वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन भी आ जाएगा। और बहुत जल्द उम्मीद ये है कि जून के अंदर जो ये बाइनेंस या OKX के ऊपर लिस्टेड भी होने वाला है। अब इसकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, अगर फिर भी आप यहाँ पर जो ये वाला पैकेज लेकर अपना अकाउंट को वेरीफाई करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से आपने डिपॉजिट करके इनका प्रीमियम पैकेज बाय करना है। लेकिन मशवरा मेरा ये है कि आप अभी प्रीमियम पैकेज बाय ना करें, अभी रहने दें। जैसे ही लोग इनको $3-3 देना बंद कर देंगे उसके बाद जो यहाँ पर KYC का ऑप्शन
खुल जाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको इस नेटवर्क के बारे में तमाम चीज़ें बता दी हैं, जो जो चीज़ें मुझे सामने नजर आई। फिर भी अगर आपका इस नेटवर्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप को भी ज्वाइन करके वहाँ पर भी मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में एथीन नेटवर्क माइनिंग की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उस प्ले लिस्ट के अंदर भी आपको एथीन नेटवर्क से रिलेटेड तमाम अपडेट्स मिल जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।